कैसे हैं आप सब? वेलकम टू किचनोपीडिया। आज हम बनाते हैं मेरी फेवरेट तवा कलेजी फ्राई। नॉट वेरी डिफिकल्ट। इसके लिए हमको चाहिए 500 ग्राम कलेजी, कलेजी को मैरिनेट करने के लिए आधा चम्मच काली मिर्च, एक चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, दो चम्मच व्हाइट विनेगर और एक से डेढ़ चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। नमक एक चम्मच पर ये आखिर में डालना है। आपने मैरिनेट करते समय अगर नमक मिला दिया तो सॉल्ट कलेजी से सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और कलेजी काफी हार्ड हो जाएगी। कलेजी फ्राई करने के लिए दो चम्मच सरसों का तेल, थोड़ा कड़ी पत्ता, दो से तीन हरी मिर्च चॉप कर ले, दो साबुत ड्राइड लाल मिर्च, एक चम्मच लहसुन का पेस्ट, एक मीडियम ऑनियन लंबा लंबा काट के फ्राई कर ले और ऊपर से डालने के लिए हरा धनिया। सबसे पहले हम कलेजी के पीसेस कर लेते हैं। इसको मैरिनेट करने के लिए इसमें सारे मसाले मिला लीजिए। ऊपर से दो चम्मच सिरका डाल लीजिए और दो चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के मिला लीजिए और 30 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। एक चौड़ा पैन लेके एक से डेढ़ चम्मच सरसों का तेल गरम कर लीजिए। कड़ी पत्ता, साबुत सूखी लाल मिर्च और कटी हुई मिर्च को डाल के थोड़ा फ्राई कर लीजिए। अब एक चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल के उसको भी फ्राई कर लीजिए। जब थोड़ा फ्राई हो जाए तो कटी हुई फ्राइड प्याज डाल के मिला लें। और कलेजी डाल लें। इसको खुले पैन में 5 से 7 मिनट तक चलाना है और फिर 10 मिनट के लिए ढक के रख देना है। अब फिर से ढक्कन हटा के 5 से 7 मिनट के लिए चला लें और ग्रेवी को सुखा लें। अब जरा देख लेते हैं कि कलेजी अंदर तक गल गई है कि नहीं। हाँ, अब ये अच्छी तरह से गल चुकी है। अब ऊपर से 1-1.5 चम्मच या अपने स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल लें। और थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया डाल लें। चलिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं और लो जी, एंजॉय करिए इसको और देखते रहिए किचनोपीडिया। थैंक यू फ्रेंड्स।